एक बार क्या उनकी पंक्ति मुझे याद आ गई, और मैं वो अक्सर कहा करता हूं कि जो गोपाल दास नीरज है, गोपाल दास नीरज हमारे बहुत बड़े साहित्यकार हुए, उनकी पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती रहती है। छिप छिप कर अस्त्र बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छिप छिप कर अस्त्र बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, उसे टूटना तय था जैसे जागे कच्ची नींद जवानी। भींगी उम्र बिताने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, सावन नहीं मरा करता है। माला टूट गई तो क्या, जानो हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो जानो पूर्ण हुई तपस्या। समझ में आया, फटी कमीज सिलाने वालों, जिंदगी भर बहाने बनाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, आंगन नहीं मरा करता है। समझ में आया। चलो, तो आपसे पूछा जा रहा है करड़ का तद्भव रूप बताने का प्रयास करो। अब करड़ के तद्भव रूप की बात करते हैं, तो यहां करनी लिखा है, कान लिखा है, अर्जुन लिखा है, खान लिखा है, तो करड़ की बात करते हैं दोस्तों। करड़ मतलब ये क्या है, तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या बनेगा, कान बनेगा, है ना।